गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं मध्यकालीन अरस्तु यानी थॉमस एक्विनस के बारे में। थॉमस एक्विनस के अंतर्गत पिछले वीडियोज़ में हमने उसके जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उसकी अध्ययन पद्धति एवं राज्य संबंधी उसके विचारों का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे थॉमस एक्विनस के दासता संबंधी विचार और उसके संपत्ति संबंधी विचारों का। थॉमस एक्विनस के दासता संबंधी विचार। थॉमस एक्विनस ने भी अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह दासता को देवी दंड मानकर उसका समर्थन किया है, यानी एक्विनस दासता का समर्थक है। वह अरस्तु की तरह दासप्रथा को लाभदायक तो मानता है, लेकिन उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। उसका मानना है कि दासता एक प्राकृतिक प्रथा है जो सैनिकों में साहस का संचार करती है। एक्विनस दासता को प्राकृतिक प्रथा मानता है। जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें दासता का भय सताता है। इस भय के कारण वे वीरता और साहस से लड़कर युद्ध में विजयी बनने के प्रयास करते हैं। दासता का भय ही सैनिक विजयों का कारण होता है। एक्विनस ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिद्रानमी नामक पुस्तक से कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्विनस दासता का समर्थक है। अब हम एक्विनस के संपत्ति संबंधी विचारों को देखते हैं। एक्विनस ने भी अरस्तु की तरह ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है, यानी एक्विनस व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थक है। उसका कहना है कि किसी संपत्ति का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए न करके जनहित में किया जाना चाहिए। एक्विनस व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थक तो है, लेकिन वो उसका जनहित में उपयोग करना चाहता है। संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उसके संपत्ति संबंधी विचार धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव से अछूते नहीं है। उसने मध्ययुगीन ईसाई पादरियों के विचारों से सहमत होते हुए कहा है कि संपत्ति पर चर्च और पोप का भी अधिकार उपयुक्त है, लेकिन वह किसी सांसारिक शासक के सामंत के रूप में भूमि का स्वामी नहीं बन सकता। पोप अपनी संपत्ति का प्रयोग निर्धनों की सहायता के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार ही कर सकता है। उसका मानना है कि संपत्ति की अधिकता ही सभी पापों का मूल कारण है। संपत्ति पर धर्म का लेबल लगाने पर ही संपत्ति के सारे दोष मिट जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्विनस ने अरस्तु तथा ऑगस्टाइन के विचारों से अलग ही अपने संपत्ति संबंधी विचार प्रतिपादित किए हैं। तो आज हमने थॉमस एक्विनस के दासता और संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।